गाइस तैयार हो जाइए, एक नया गेम आ चुका है मार्केट, उसके लिए आप जरा भी वेट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इसे बनाया है प्लेस्टेशन और कोजिमा प्रोडक्शंस ने मिलके। अब कोजिमा प्रोडक्शंस का ये एक डेब्यू गेम होगा और डेवलपर्स भी पुराने एम्प्लॉय रहे हैं मेटल गियर सॉलिड प्रोडक्शंस की टीम के, और वही डेवलपर्स है जिन्होंने मिलकर ये गेम डेवलप किया है। 2016 से इसकी बातें चल रही थी और अब जाके ये नवंबर में रिलीज हो रहा है और धीरे धीरे करके इसके कई सारे ट्रेलर्स आ चुके हैं और अभी इन्होंने एक और ट्रेलर रिलीज किया जिसमें इन्होंने एक और कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन कराई है। इससे पहले भी कई सारे ट्रेलर रिलीज कर चुके हैं जिसमें इन्होंने कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन कराई है और आज जो कैरेक्टर इस ट्रेलर में इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप भी बहुत चक्के रह जाएंगे क्योंकि बहुत ही अजीब कैरेक्टर है ये। और ये नया ट्रेलर आपको बहुत से बहुत ज्यादा एक्साइटेड करने के लिए काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रेलर को और इस नए कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हार्टमैन निकोलस वेंड्रेसन स्पेशल अपीयरेंस, लगता है हमारे नए कैरेक्टर यही है। ग्राफिक्स तो रिमार्केबल, पेसमेकर लगा हुआ है, 21 मिनट्स का टाइमर। विजिट 218,550। ओह सॉरी, वेयर वर वी? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, ablution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. I think it's key life 21 minutes here, ek baar mein, intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that, that someone in my position has to worry much about either. But 21 minutes mein itni baatein kaise kar raha hai ye? Itni time waste. Music. Watch films. You know, I keep busy. I have a collection busy, 21 of music, minutes. Television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. 20 minutes of flow. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. Death is Stranding. Kojima Productions. November 8, 2019. PlayStation. Whoa. गाइस आपने जैसे इस नए ट्रेलर में देखा एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है हार्टमैन नाम का, और जैसा कि आपने देखा वो एक वेल फर्निश्ड घर में रह रहा है, सब कुछ है उसके पास, पर उसके पास वक्त नहीं है। 21 मिनट्स का उसको टाइम स्लॉट है, पता नहीं ये कैसे पहुंचा वहां तक, पर उसे पेसमेकर लगा हुआ है और वो सिर्फ 21 मिनट्स के लिए ही जागता है और उसके बाद शायद 21 मिनट्स ओवर होने के बाद शायद वो बेहोश जाता हो, उसका हार्ट काम करना बंद कर देता हो और फिर कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद वो फिर से 21 मिनट्स की लाइफ जीता हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचा जाए तो बहुत ही अच्छी मूवी बन सकती है इस पे। तो गेम डेवलपर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट खोज निकालते हैं और उस पर गेम बना डालते हैं। मूवीज में इतनी इंटरेस्टिंग चीजें आपको शायद ही देखने को मिलेगी जितने गेम वाले अपनी क्रिएटिविटी वहां पे शो कर पाते हैं। गाइस में एक सैम कैरेक्टर भी है जो कि पहले ट्रेलर्स में इंट्रोड्यूस कराया गया था, और सैम का काम ये रहता है कि वो गॉड्स डिस्पोजल टीम 6 में काम करता है और ये गेम एक्चुअली में बेस्ड है एक फ्यूचर वर्ल्ड के ऊपर
जहां एनिमल पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और ये है डिस्पोजल का काम इन्हें करना पड़ता है क्योंकि अब एनिमल है नहीं। और सैम का काम है डेड बॉडीज कलेक्ट करके उन्हें डिस्पोज करना और एनवायरमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और गाइस ये सब सुन के अगर आपको थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो घबराइए मत। जब कोजिमा ने अपनी डेवलपर टीम से ये स्टोरी शेयर की थी डेवलप करने के लिए, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया और उन्हें भी बहुत मशक्कत झेलनी पड़ी इस चीज को हजम करने के लिए। गाइस इसमें कई सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने बताया सैम, और अभी जो हम रिव्यू कर रहे थे हार्टमैन, और कुछ और आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि अमेरिकन एक्ट्रेस, मामा एक्सेट्रा। गाइस ट्रेलर में आपने देखा होगा कि कई सारे गैजेट्स भी यूज हो रहे थे, तो इस गेम में कई सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स भी होंगे क्योंकि इस गेम की दुनिया है फ्यूचर बेस्ड और ऑब्वियसली बात है साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा लीप ले चुकी होगी इस वर्ल्ड में, और इसलिए कई सारे गैजेट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपने हार्टमैन के रिस्ट पे भी देखा कि एक वॉच थी जो कि एक वॉइस कमांड पे वर्क कर रही थी। और तो और आपको इस गेम में बहुत ज्यादा वॉयलेंस, गन्स और बहुत ही क्यूट बाइक्स भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये गेम की ग्राफिक्स भी आपने देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिफाइंड ग्राफिक्स है, मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी ग्राफिक डिटेल्स और साथ ही साथ इसकी स्टोरी लाइन भी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। तो गाइस आप इससे मुझे लगता है कि आप बहुत ही एक्साइटेड हो गए होंगे क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए। गाइस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पीसी और PS4 दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिए रिलीज हो रहा है एक साथ, और बाकी बाद में किस किस प्लेटफॉर्म के लिए रिलीज होता है ये तो वक्त ही बताएं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पीसी वालों को भी ये गेम खेलने को मिल जाएगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और कमेंट करके अपने सुझाव और फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।